तो 9 नवंबर वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। इस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सबसे बड़े मुकदमे पर फैसला सुनाया। इन सब के बीच यूपी शासन के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन योगी सरकार ने बेहद ही सूझबूझ के साथ चीजों को संभाला। रिपोर्ट देखिए। सदियों पुराने मामले में आया फैसला, योगी की यूपी ने दिखाई समझदारी, वक्त रहते सरकार ने पूरी की तैयारी, योगी सरकार ने रखे फूंक फूंक के कदम, कानून व्यवस्था रही चुस्त दुरुस्त हरदम। 9 नवंबर को आए अयोध्या फैसले के बाद पूरे देश में हलचल रही, चारों तरफ इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इन सब के बीच सीएम योगी के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। चुनौतियां थी कानून व्यवस्था बनाए रखने की, चुनौतियां थी शांति व्यवस्था बनाए रखने की। सरकार को हर एक हरकत पर नजर रखनी थी, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार सतर्क रही। फैसला आने से पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह को बुलाया था। दरअसल रंजन गोगोई अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के हालात जानना चाहते थे, जिसके बाद उनको जानकारी दी गई कि तैयारी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। फिर फैसला आया और योगी सरकार ने समझदारी का परिचय दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। जैसे ही फैसले की घड़ी नजदीक आई, वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और हालातों के बारे में बारीकी से जानकारी ली। डीजीपी ओपी सिंह से लगातार संपर्क में रहे और कानून व्यवस्था पर एक एक जानकारी ली। इन सब के बीच अयोध्या और गोरक्षनाथ के बीच एक संयोग भी निकलकर सामने आया। महंत अवैधनाथ जी ने 1983 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन चला। गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बनने के बाद योगी जी जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और उसके बाद जब फैसला आया तो मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। तब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। ये संयोग ही कहा जाएगा कि अयोध्या मामले में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी तब उसका संबंध गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा है। 1949 को जब विवादित ढांचे में रामलला का प्रकटीकरण हुआ, तब उस दौरान महंत दिग्विजय नाथ जी साधुओं के संग संकीर्तन कर रहे थे। 1986 में जब फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे का ताला खोलने का आदेश दिया, तब वहां ताला खोलने के लिए महंत अवैधनाथ मौजूद थे। बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र भी अवैधनाथ जी के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर में ही बन गया था। महंत दिग्विजय नाथ जी की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए शुरुआत 1934 से 1949 के दशक में हुआ। खैर अब फैसला आ गया है, ट्रस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, लोगों में उत्साह है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच तारीफ योगी सरकार की बनती है, जिसने समझदारी का परिचय देते हुए हालातों पर नजर बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।